नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं शिव प्रकाश और आप देख रहे हैं गिरधर वाटी का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में अभी ये मूली का पाउच है और ये सुपर वाइट हाइब्रिड रेडिस वैरायटी है और ये एरिजोना कंपनी का सीड्स है जो कि मार्केट में किसी भी खाद बीज विक्रेता की दुकान पर आपको मिल जाएगा। इसका जो पैकिंग है वो 100 ग्राम का पैकिंग है और इसका जो प्राइस है वो MRP इस पे 154 रुपये है और ये आपको मार्केट में बड़े आसानी से 130 रुपये से 150 रुपये के बीच में मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में इसका रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सीड्स अगर आप हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी में हम आपको ये सीड्स उपलब्ध करा सकते हैं। कोरियर के माध्यम से हम आपको होम डिलीवरी सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पैकिंग में आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा इतना ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पर, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत किचन गार्डन के पर्पज़ से अपने घर में लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो ये सीड्स हमसे ऑनलाइन ख़रीदने के लिए हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और हमसे ये सीड्स आप मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिया जा रहा है नंबर, आपको नीचे लाइन नज़र आ रही होगी उसमें नंबर हमारा दिया जा रहा है, आप उस पर हमें कांटेक्ट करके और ऑनलाइन बुकिंग करवा के और ये सीड्स हमसे ऑनलाइन कोरियर के माध्यम से आप घर पे भी मंगवा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ हमारे नर्सरी के अंदर यहाँ मिट्टी का ढेरी लगाया हुआ है और ये ब्लैक मिट्टी है और इसको हमने भुरभुरा कर लिया है और ये मिट्टी हमको स्टॉक में रखना पड़ता है क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ नर्सरी में मिट्टी की ज़रूरत पड़ता है कई प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि बारिश के टाइम पर सब जगह मिट्टी गीली रहती है तो उसको पॉलीथिन में भरने में दिक्कत होती है, इसलिए हमको यहाँ ड्राई मिट्टी जो है स्टॉक में रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। और ये मिट्टी के ढेरी जो है फालतू हमारे यहाँ लगी हुई है कुछ दिनों से, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर मूली के सीड्स लगाना चाहिए। तो वही सीड्स अभी हम मार्केट से लेकर के आए हैं और अगर आपको भी चाहिए तो इसमें से हम कुछ सीड्स कम क्वांटिटी में और कम पैसे में हम आपको ऑनलाइन भेज सकते हैं कोरियर के माध्यम से। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर ये दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे इस तरीके से अगर आपके घर पे मिट्टी नहीं है तो आप मिट्टी भी जुगाड़ से कैरी कर सकते हैं और उसका मैं आपको सीधा फार्मूला बताता हूँ। आपको इकट्ठा मिट्टी कहीं से उठा के नहीं लाना है। आप कहीं भी आउट ऑफ कवरेज जाते हैं, फील्ड में जाते हैं या ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पूरा खेती क्यारी वाला एरिया है, मतलब कोई आवासीय क्षेत्र नहीं है, आउट में आप जाते हैं तो खेत से उपजाऊ मिट्टी आप थोड़ा बहुत लेकर के आ सकते हैं। ऐसे कई बार आप थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेकर के आएंगे तो आपके पास भी मिट्टी का काफ़ी स्टॉक हो जाएगा और थोड़ी सी मिट्टी के लिए कोई भी खेत वाला मना नहीं करेगा। आप जब भी कहीं जाएं तो एक पॉलीथिन अपने पास लेकर के और चलें तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत मिट्टी उखाड़ के खेत से खोद करके और थैली में भर के ला सकते हैं, 2-3 किलो, 4 किलो, 5 किलो मिट्टी तक जितना आपसे नॉर्मल आ जाए उतना, और धीरे धीरे आप अपने यहाँ मिट्टी का स्टॉक कर सकते हैं और वो उपजाऊ मिट्टी आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी आपको पॉट में भी और वैसे भी क्यारियों में डालने के लिए। और आप बर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम बर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं जो हमारे पास केंचुआ वाली खाद है उसका हम उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 30% उसको मिला करके फिर यूज़ में लेते हैं पॉलीथिनों के अंदर। और मैं अब इसको ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी लंबा चौड़ा खेती क्यारी का एरिया है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं सीड्स। देखिए कितने क्वालिटी वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं कॉल करके। और ये सीड्स जो है मैं और निकाल लेता हूँ इस पाउच से। ये देखिए, और इस तरीके से हम इस पे छिटक के ये सीड्स डाल देंगे। मूली के पत्ते की सब्जी भी बहुत ही टेस्टी लगती है तो उसके पर्पस से भी हम इसको लगा रहे हैं यहाँ पे कि मूली का पत्ती भी तैयार हो जाएगा, मूली पत्ता। और अगर हम इसको ज़्यादा समय तक रखेंगे इस मिट्टी के ऊपर तो इसके जो पौधे हैं वो मूली मैं तब्दील हो जाएंगे, मूली उसमें नीचे बन के तैयार हो जाएगी। हम और ले लेते हैं और पूरी ढेरी के ऊपर छिटक के लगा देते हैं जिससे हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मूली और मूली के पत्ते मिल जाएंगे।
और उस पर बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रोथ आएगा, क्योंकि ये एकदम खुशक मिट्टी है, यहाँ पे ढेरी लगाई गई है, ये सख्त मिट्टी नहीं है। सख्त मिट्टी में क्या है कि कोई भी पौधा जो है ठीक से ग्रोथ नहीं ले पाता है, और ऐसी कंडीशन में उसको मैच्योर होने में टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हमने इस मिट्टी का यूज़ किया है, बहुत ही बेनिफिट रहेगा हमको इस पर मूली उगाने में। ज़्यादा हो जाएंगे, मैं वापस से पाउच में डाल देता हूँ कुछ मेरे हाथ में जो बच रहे हैं। हमको ओवर भी नहीं डालना है क्योंकि बहुत ही कॉस्टली सीड्स हैं, और हमने इसको कम ही ओपन किया था, तो दोबारा से रिटर्न इसमें डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। चलो इजीली काम हो गया हमारा, 3-4 बच रहे हैं, मैं और डाल देता हूँ। और दोस्तों ये है टमाटर के सीड्स, और टमाटर के सीड्स भी हम ये टमाटर के सीड्स भी आप हमसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और टमाटर का सीड्स भी हम इस पे थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा हमको, हम कहीं भी ट्रांसप्लांट कर देंगे इनको इस पे, और हमारे पास कस्टमर भी आते रहते हैं, हम इस पर से उखाड़ करके कस्टमरों को भी दे देंगे। थोड़ा सा हमने डाल दिया है, ये ले लिया है हमने पंजी, और इसका पहले भी कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं, ये हमने फेल्डर से बनवाया था, और वो काफ़ी हेल्पफुल लगता है इसको यूज़ करने में, काफ़ी हेल्प मिलती है इससे, सीड्स को मिलाने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अच्छे से सीड्स मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे जर्मिनेशन का जो रिजल्ट है लगभग 95% तक हमको मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरा सीड्स को मिट्टी में मिला दिया है, और इस पर एक काम और करेंगे हम। ये जो कपड़ा है ये एक साड़ी है पुराना, और अक्सर हम हमारे नर्सरी में इस तरीके के साड़ी, पुराने कुछ कपड़े, नेट वगैरह यूज़ में लेते रहते हैं। इससे क्या और भी अच्छा जर्मिनेशन रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि दिन में तेज धूप आती है तो उससे हमारे सीड्स जो हैं जर्मिनेट होते होते ड्राई हो जाते हैं, और वो जर्मिनेशन हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं ढकने के लिए, इससे क्या है मॉइस्चर बना रहता है मिट्टी में, दोपहर के टाइम भी ये देखिए इससे हमने कवर कर दिया। आप भी कोई पुराने कपड़े से की हेल्प से इस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं, और अभी हम इस पर लगा देंगे पानी, और पानी लगाने के बाद हम जर्मिनेशन का इंतजार करेंगे। जर्मिनेशन के बाद हम इसका अपडेट वीडियो लेकर के आएंगे, आपको वो वीडियो अगर देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, गिरधर वाटिका चैनल को, नहीं तो आप और दूसरे चैनल को कर लें। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी हमने ये रेडी कर दिया है, पानी यानी लगा के इसको यहीं वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने किसान भाइयों मित्रों को किसान भाइयों को करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं मित्रों को आप अपने दोस्तों को कर सकते हैं, ताकि वो भी इस तरीके से घर पे मूली उगाने के बारे में कुछ जानकारी उनको मिल जाए। दोस्तों हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।